नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के दोस्तों कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, मैथ्स में कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम शामिल किए हैं। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान तरीका भी बताएंगे, ताकि आपको मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। और हम आपको बता दें दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। पहले क्या करिए दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न है दोस्तों, पी और क्यू के मासिक वेतन का अनुपात 4:3 है, यानी कि 4:3 है। यदि पी और क्यू के वर्तमान वेतन में क्रमशः 10% तथा 5% की वृद्धि हुई है तो नया अनुपात क्या होगा, ये बोल रहा है। देखिए, इनका दोस्तों मासिक जो वेतन है, इनकम है, किस रेशियो में है दोस्तों, 4:3 के रेशियो में, अनुपात में। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें वृद्धि करना है आपको 10% और 5%, पी में 10% और क्यू में 5%। तो 4 और 3 में हम वृद्धि दोस्तों नहीं करेंगे, क्योंकि दशमलव में आने लगेगा। आप इसको क्या करेंगे, दोनों में 100-100 से गुना कर दीजिए। इसको हम कर देते हैं दोस्तों 400, इसको हम कर देते हैं 300, ठीक है। 100 से गुना करेंगे तो ये कट के 4:3 के ही रेशियो में आएगा, 4:3 के ही अनुपात में आएगा, समझ रहे ना। अब क्या है, वृद्धि करना आसान है, ठीक है। 10% जब दोस्तों हम पी में वृद्धि करेंगे, 400 का 10% दोस्तों क्या होता है बताइए, 400 का 10% 40 होगा, 40 की वृद्धि करेंगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 440 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 5% दोस्तों क्यू में वृद्धि करेंगे, 300 का 5%, 5 × 3 = 15 इसमें बढ़ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 315 हो जाएगा। तो यानी इनका मासिक जो वेतन है, वृद्धि के बाद क्या हो गया दोस्तों, 440 और क्या रेशियो है दोस्तों, 315 का, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि करने के बाद, ठीक है। अब देखिए, ज्यादा कुछ नहीं करना, इसको आपको कटा लेना है। कटाएंगे कैसे दोस्तों, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40 और 5 × 6 = 30 हो जाएगा, 5 × 3 = 15। जो रेशियो आएगा दोस्तों क्या आएगा, 88:63, ठीक है। क्या रेशियो आएगा, 88:63, ये वृद्धि करने के बाद होगी। तो देखिए, 88:63 किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यानी 400 जैसे 300 किए, क्या हो जाते हैं, प्रश्न सिंपल हो जाता है। हम 4 और 3 पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होगा, दशमलव आएगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेशन बड़ी होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, सिंपल हो गया, पेन आप चाहे तो उठाएंगे भी नहीं, तो भी डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दें दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा, सिंपल तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका। क्या करिए आप, एक बार पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। देखिए, प्रश्न है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है, वह एक भाग 7% के लाभ से और बाकी 17% के लाभ से बेचता है, वह पूरे पर 10% का लाभ करता है, यानी पूरे पे क्या होता है, 10% का उससे लाभ होता है, ठीक है। बोल रहा है वह 7% लाभ पर कितने चीनी बेचता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत सिंपल है, एलिगेशन रूल से सॉल्व होगा, आपको पहले भी बताया। देखिए, एक भाग को क्या करता है दोस्तों, 7% के लाभ पे बेचता है, दूसरे भाग को दोस्तों कितने परसेंट पे बेचता है, 17% के लाभ पे, कितने पे, 17% के, और पूरे पे क्या होता है दोस्तों, 10% का लाभ। यहां पे देखिए परसेंटेज नहीं, आप ऐसे लिख लीजिए, पहले भाग को 7% पे, दूसरे पे दोस्तों क्या है, 17% के लाभ पे, और पूरे पे दोस्तों क्या करता है, 10% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो एलिगेशन रूल कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। सबसे बड़ा संख्या कौन है, 17, 17 में से क्या करेंगे, 10 घटाएंगे तो क्या होगा, 7, फिर क्या करेंगे, 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो इसके सामने लिखेंगे, 10 में से 7 जाएगा तो 3, यानी किस रेशियो में दोस्तों इसको बेचा है, जो चीनी है वो 7:3 के रेशियो में बेचा है,
पूछ क्या रहा है दोस्तों, पहला भाग क्या है 7%, इसी का पूछ रहा है कि 7% लाभ पर कितने चीनी बेचता है। तो देखिए लाभ पे बेचता है कितना भाग, 7, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 7/अनुपातिक योग होता है, टोटल क्या है 10, तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो 10 होगा ना, 7/10, और टोटल कितना है दोस्तों 100 kg चीनी है, तो गुने 100 कर लीजिए, ये देखिए 10 × 100, 7 × 10 करेंगे तो क्या होगा 70 kg, आंसर क्या होगा दोस्तों 7% लाभ पर कितने चीनी बेचा, 70 किलो। देखिए 70 किलो किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले में दिया है, आपका ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए एलिगेशन रूल थोड़ा सा दोस्तों समझ लीजिएगा, एक बार और समझा देते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला दोस्तों जैसे 7% पे बेचा, दूसरा दोस्तों 17% पे बेचा, और पूरे पे क्या हुआ 10%, तो पूरे को हम बीच में रखेंगे और ऐसे कर लेते हैं, सबसे बड़ा संख्या क्या है 17, 17 में से दोस्तों क्या करेंगे 10 घटाएंगे, ठीक है, 17 में से क्या करेंगे ये वाला बीच वाला संख्या घटाएंगे 10, तो क्या आएगा दोस्तों 7। अब देखिए 10 में से क्या करेंगे 7 घटा के हम इस सामने लिखेंगे, 10 में 7 घटाएंगे 3, जो रेशियो बेचने का है दोस्तों क्या है 7:3, और पहला पूछ रहा है तो पहला क्या है दोस्तों 7 के रेशियो में है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पूछेगा तो 3 के रेशियो में है, आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं 7 × 3 = 10, 10 = 100, तो 7 = 70, अगर दूसरा पूछे तो 3 = 30 बोल देते, लेकिन 7% वाला पूछा है तो 70 किलो आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप चाहे तो इसको बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, बस हम आपको समझाने के लिए लिखे ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए, और एक बात और बता दूं दोस्तों एसएससी मेकर के द्वारा एक स्पेशल ईबुक लॉन्च की गई है, ये ईबुक दोस्तों आपके आगामी एग्जाम जैसे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और अदर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ईबुक में दोस्तों 1500+ क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उन्हीं प्रश्नों को इस ईबुक में शामिल किया गया है। इन 1500+ क्वेश्चन में आपको मिलेगा क्या दोस्तों, साइंस के 20 सेट, जनरल अवेयरनेस के 20 सेट, जीएस के 1 लाइनर 25 सेट, मैथ्स के 110 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और रीजनिंग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग फुल डिटेल वे में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है, आपको समझने में कहीं पे भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों इस ईबुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, कहीं पे भी क्लिक करके इस ईबुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ईबुक कीमत मात्र 49 रुपीज है, और हम आपको बता दें दोस्तों अगर आपको डाउनलोड या पेमेंट करने में किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो एसएससी मेकर का कस्टमर केयर नंबर है 7080108555, आप इस नंबर पर कॉल करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों ये अब तक की बेस्ट ईबुक है क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इसे एक बार लेके आप जरूर पढ़िए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ, प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़िए। प्रश्न है दोस्तों एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, वह क्या क्या है। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा समझिएगा, बोल रहा है 84 की जब वृद्धि करते हैं तो स्वयं की क्या हो जाता है दोस्तों 107%, यानी वृद्धि कितने का होता है 100% में 7%, समझ रहे हैं 107 हो रहा है ना, 107%, यानी संख्या 100% है, 7% की वृद्धि हुई, जब ये दोस्तों 7% की वृद्धि हुई तो संख्या कितने की वृद्धि हुई 84 की, तो कह सकते हैं दोस्तों 7% = 84, तो 100% = दोस्तों बताइए क्या होगा, 100% = 84/7×100, ठीक है, 7 × 12 = 84 होता है, 12×100 करेंगे तो दोस्तों क्या होगा 1200, तो वो संख्या दोस्तों क्या है बताइएगा, वो संख्या क्या है दोस्तों, वो संख्या है 1200। देखिए 1200 किस ऑप्शन में, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल से भी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 8 से 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और हमेशा रिपीट करता है। देखिए सिंपल तरीका बता रहा हूँ, बहुत आसान तरीका, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 30 गुनी है,
18 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी, पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पे बोल रहा है ना एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 30 गुनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं, देखिएगा मान लीजिए पुत्र की आयु क्या है x वर्ष, और यहाँ कह रहा है एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 30 गुनी है, तो पिताजी की आयु क्या होगी दोस्तों 30x, यही होगी ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा कह रहा है, अब देखिए आगे 18 वर्ष बाद मतलब x प्लस 18, ठीक है ये, ठीक है x प्लस 18, तो इधर भी क्या होगा पिताजी में भी 30x प्लस 18, ध्यान दीजिएगा होगा ना 18 वर्ष पिताजी की आयु। 18 वर्ष बाद क्या होता है पिता की आयु पुत्र की केवल 3 गुनी रहेगी, कितनी रहेगी दोस्तों 3 गुनी के बराबर रहेगी, यानी ये 3 गुनी पुत्र के 3 गुनी के बराबर रहेगी, ठीक है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 गुनी रहेगी। अब देखिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब आपको क्या करना है ना यहाँ पे पूछ रहा है पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु हम क्या लिखें 30x की वैल्यू लाना है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 3 से x में गुना करेंगे तो ये क्या होगा 3x प्लस 18 तिहाई, 3 × 18 करेंगे तो 18 तिहाई क्या होगा दोस्तों 54 होगा, समझिएगा, और इधर क्या होगा दोस्तों 30x, ठीक है ध्यान दीजिएगा, और ये प्लस क्या होगा दोस्तों ध्यान दीजिए 18, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ऐसे। अब देखिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है x वाला एक तरफ कर लीजिए, ये 3x है और बराबर को उधर जाएगा तो 30x में से घटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 27x हो जाएगा, और बराबर ये देखिएगा ये 18 प्लस में है बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, हम इधर का उधर लिख रहे हैं कन्फ्यूज ना होइएगा, 54 में से दोस्तों 18 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो इधर क्या हुआ 27x बराबर 36, तो x बराबर दोस्तों क्या होगा 36/27, समझने का प्रयास करिएगा। अब देखिए पूछ कह रहा है 30x का, तो x की जगह हम क्या रखेंगे दोस्तों 36×27, तो आप ऐसे करेंगे 30x की वैल्यू यानी पिताजी की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 30×x की जगह हम क्या रखेंगे 36 बटा क्या रखेंगे दोस्तों 27 रखेंगे, तो 9×3 27, 9×4 36, 3×9 30, 10×4 करेंगे तो दोस्तों क्या होगा 40, पिताजी की आयु क्या आएगी वर्तमान में 40 वर्ष, क्या आया दोस्तों 40 वर्ष, देखिए 40 वर्ष किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी पिताजी की आयु क्या होगी दोस्तों वर्तमान आयु क्या होगी 40 वर्ष। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है एक्स मान के भी सॉल्व करने का आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न सॉल्व करते हैं, बहुत से इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको हम ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न को हम ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन समस्या होगी, ठीक है देखिए ऐसे भी समझने का प्रयास जरूर किया करिए, ठीक है, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा रहे हैं दोस्तों सभी प्रश्नों को नोट भी किया करिए, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, नोट किए रहेंगे तो आपको पता भी रहेगा कि प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है, एग्जाम के पहले आप रिवीजन भी कर लेंगे, मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए। और एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ बेसिक से 0 लेवल से और चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो सेकेंड वाले चैनल एग्जाम फिनिशर से जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों, एग्जाम फिनिशर का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, कमेंट बॉक्स में भी है सेकेंड चैनल के नाम से, ठीक है उस चैनल से आप लोग जुड़िए, और हम आपको बता दें उस चैनल पर दोस्तों बेसिक मैथ पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक कंप्लीट किए, जिसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए, और आपको बता दें उस चैनल पे दोस्तों परसेंटेज की भी फुल क्लास चली है, तो उस चैनल से भी जोड़ के आप लोग लाभ जरूर उठाइए, ठीक है चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा पांचवा क्वेश्चन हम आपको बता दें, ये भी क्वेश्चन क्या है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, पेन उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एक्स मानने की भी आपको जरूरत नहीं है, देखिए आसान तरीका बता रहा हूं, एक बार क्या करिए वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी सॉल्व करने का प्रयास दोस्तों जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन है एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है, यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे प्रश्न को एक बार समझने का प्रयास करिए, बोल रहा है एक कार्य को पूरा करने में जो अभिषेक है अनुभव से क्या होता है दोस्तों 6 दिन कम लेता है, बोल रहा है यदि दोनों उस कार्य को मिलकर पूरा करते हैं तो दोस्तों 4 दिन में क्या होता है
चार दिन में पूरा करते हैं, यहाँ बोल रहे हैं तो अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इसके लिए आप सॉल्व करेंगे कुछ मेथड से, गो थ्रू ऑप्शन, हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, सेकंडों में आंसर आ जाएगा। हम आपको बताए हैं दोस्तों ना, देखिए जब दो लोग मिलेंगे तो एक एक्स दिन में कर रहा है, दूसरा वाई दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला आपको बताए थे, तो वही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। मान लेंगे दोस्तों यहाँ कह रहे हैं अब उन्हें अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, दस दिन में, और यहाँ पे कह रहे हैं अभिषेक अनुभव से छह दिन कम लेता है, तो ये छह दिन कम लेगा तो दोस्तों क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो अभिषेक होगा वो चार दिन में करेगा। तो आप देखेंगे दोस्तों दस गुने चार, एक्स गुने एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई, दस गुने चार प्लस, देखिएगा दस गुने चार बटा के दोस्तों क्या होता है, दस प्लस चार, दस प्लस चार यानी कि एक्स प्लस वाई, ये होता है ना, दस चार चौदह, क्या ये दोस्तों कट के दोनों के बराबर क्या होना चाहिए, चार दिन आना चाहिए, चार दिन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि चालीस बटा चौदह है, चौदह चौको छप्पन होता है, चालीस नहीं होता है, पहला ऑप्शन से ये नहीं सॉल्व होगा। मान लेंगे दोस्तों जो अनुभव है वो बारह दिन में कर रहे हैं, तो अब इसे कितने दिन में, छह दिन कम लेता है तो छह दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर दोस्तों कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, अब देखिए क्या देखेंगे, चार दिन आ रहा है कि नहीं, एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई होता है ना, तो 12 गुने 6 बटा 12 प्लस 6 क्या होगा, 18 होगा, 6 त्रि 18, 3 चौको 12, दोनों मिलके चार दिन में काम को पूरा कर रहे हैं, यहां कह भी रहा है दोनों उस कार्य को चार दिन में पूरा करते हैं, तो आंसर इसका क्या होगा, अनुभव अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों, 12 दिन में, अभिषेक कितने दिन में, छह दिन में, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, और दोनों मिलके चार दिन में, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन से भी सॉल्व करने का दोस्तों आप लोग प्रयास किया करिए, और ये इस मेथड को आप जरूर सीखिए, ठीक है, क्योंकि इस मेथड से आपको एक्स मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा, और क्वेश्चन आप एग्जाम में देखते ही आंसर देंगे, ठीक है। हमें अगर इस प्रश्न को सॉल्व करना हो तो हम डायरेक्ट देखेंगे, दस गुने चार दस चौको चालीस बटा चौदह करेंगे, नहीं होगा, बारह गुने छह बार छक बहत्तर बटा अठारह चौक बहत्तर चार, डायरेक्ट आंसर, आप ऐसे करने का प्रयास किया करिए, इन सब मेथड को आप नोट किया करिए और सीखने का भी प्रयास किया करिए, क्योंकि ये जो मेथड हम आपको बता रहे हैं आप देख लीजिएगा, कहीं पे भी कोचिंग क्लासेस में ये सारी मेथड आपको नहीं बताई जाती, आपको लॉन्ग मेथड बताया जाता है, एक्स मान के सॉल्व करिए और पांच से छह मिनट में सॉल्व करिए, ठीक है, तो उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है, लॉन्ग मेथड से शॉर्ट ट्रिक सीखिए, बिना पेन उठाए सॉल्व करने का प्रश्नों को प्रयास करिए कि आप बिना पेन उठाए कैसे सेकंडों में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। ये सब मेथड जो हम आपको बताते हैं बहुत ही ये क्या होते हैं दोस्तों, मेहनत करके ये सीखा जाता है, ज्यादा से ज्यादा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब ये सारी आपको भी सीखने में आएगी, ठीक है। तो आप क्या करिए, ये सब जब हम आपको सिखा रहे हैं तो आप लोग अच्छे से सीखिए इसको, ठीक है, और आप क्या करिए, इन सब प्रश्नों को प्रैक्टिस में भी किया करिए, ठीक है, प्रश्नों को नोट करके आप अपने आप से भी प्रैक्टिस किया करिए कि क्या आप ऐसे सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। जब आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने लगेंगे बिना पेन उठाए तो समझिए आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। मन लगा के अच्छे से प्रिपरेशन करिए, कहीं पर भी समस्या होती है तो कमेंट करके बताइए, उस समस्या का समाधान हम जरूर करेंगे। और अभी आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये भी आप कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। और एक बात और बता दूं, रेलवे आपके जो एग्जाम दोस्तों हुआ है, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और चल भी रहा है, ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, आपके आगामी जो भी रेलवे एग्जाम है उसके लिए हम आपके लिए क्रैश कोर्स भी कराए थे, क्रैश कोर्स बहुत ही शानदार रहा, क्रैश कोर्स आप लोगों के लिए, आप लोगों की डिमांड भी थी कि सर फ्री में कराइएगा, तो हम फ्री में दोस्तों आप लोगों की डिमांड पे कराए। तो आप लोग इस वीडियो को कहां से देखेंगे, क्रैश कोर्स वाला हम आपको बता दे, एसएससी मेकर चैनल पे है, प्लेलिस्ट में जाएंगे, रेलवे रीजनिंग क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है, जिसमें 38 वीडियोस है, रेलवे मैथ क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बना है, इसमें भी 38 वीडियोस है, आप इसे जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, ये बहुत ही शानदार कोर्स है, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है, कहीं समस्या होती है कमेंट करके बताइए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा लगा है लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों जरूर ऑन कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।